वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भेलपूरी। भेलपूरी के लिए हमको चाहिए सबसे पहले मुरमुरे। ये ले लिए हमने एक बाउल मुरमुरे, कटी हुई टमाटर काट के ले लिए छोटे छोटे क्रश करके, ककम्बर लिए, और आपको नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब इसमें अच्छे लगते हैं। उबले हुए आलू हैं जिसमें मैंने नमक मिर्च सब मिला लिया है, मिक्सअप कर लिया है, और थोड़ी सी ये पूरियां, भेल पूरी नाम है ना, तो ये पूरी आपके क्रंची करने के लिए पूरी है। दोनों तरह की चटनियां हैं, मीठी चटनी और हरी चटनी। हरी मिर्च थोड़ी सी, बारीक सेव, ऐसे वाले सेव चाहिए, ये हमारे ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं भेल पूरी में। नींबू खटाई के लिए, थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए, और इसमें धनिया का फ्लेवर और मिंट का फ्लेवर, चाट मसाला, नमक वैसे सब में है लेकिन फिर भी ऊपर से थोड़ा सा डाल ऐड कर लेना स्वाद के अनुसार। तो ये सबसे पहले हमको सब सामान मिक्सअप करना है। तो ये ले लिया हमने मुरमुरे ले लिए। अब इसमें हम मिक्सअप कर देते हैं आलू, उबले हुए हैं, मैश करे हुए हैं, मैश नहीं करना है, कट करना है इनको। तो जितना एक बार में सारी नहीं बनाते हैं, जितनी प्लेट हमें चाहिए उतनी बनाते हैं भेलपूरी, नहीं तो ये क्या इसका क्रंच जो है वो खत्म हो जाता है, क्रंची नहीं रहती है। ये सब हमने मिक्सअप करा, उसके बाद हम ये भेलपूरी के पूरी को थोड़ा सा चूर करके डालते हैं, ऐसे साबुत नहीं डालते इनके, थोड़ा सा क्रंच करके चूरा करके डालते हैं। ये डाल दिया हमने भेलपूरी का थोड़ा सा, टमाटर ऐड कर दो कटे हुए, और हरी मिर्च कतरी हुई है जो ये थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दिया, पुदीना है, मिंट है, जिसको ये सूखा है इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे मैश करके डाल दो। उसके बाद चटनी, ये चटनी डाल दी जितनी चाहिए, जितनी थोड़ी सी बनाते हैं जैसे चार या पांच प्लेट इसमें बन जाएगी। मीठी चटनी, ये सब मीठी चटनी से, और फिर मिक्सअप करते हैं इसको, अच्छी तरह से मिलाते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, नमक ऐड किया, चाट मसाला आधी चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आएगा, और नींबू निचोड़ा डाल दिया, चटपटी होनी चाहिए भेलपूरी। अब ये हम सर्व करते समय इसमें थोड़े से तो सेव डाल लेते, थोड़े सर्व करते समय,